जब भी कभी हम किसी रोगी को बताते हैं कि आपको लंग कैंसर है, तो तुरंत उनका नेक्स्ट सवाल होता है कि सर इसकी स्टेज क्या है। तो लंग कैंसर में या बाकी कैंसर्स में भी स्टेजिंग बहुत जरूरी है, और इसको हम तीन तरह से करते हैं, जिसको हम TNM कहते हैं। टी का मतलब होता है ट्यूमर, यानी ट्यूमर का साइज क्या है। एन का मतलब होता है लिम्फ नोड्स, यानी कि जो ग्लैंड्स होती हैं वो किस किस लेवल पे कितनी ग्लैंड्स इन्वॉल्व हैं, और एम का मतलब होता है मेटास्टेसिस, यानी कि ट्यूमर अपनी जगह से शरीर के बाकी हिस्सों में फैल गया है या नहीं। तो इसके लिए CT स्कैन किया जाता है, पेट स्कैन किया जाता है, और कुछ दूसरे टेस्ट्स हैं जिसमें एंडोब्रोंकियल अल्ट्रासाउंड या मीडियास्टाइनोस्कोपी या थोरेकोस्कोपी, ये सब टेस्ट होते हैं, और इनके बेसिस पे फाइनली स्टेज का डायग्नोसिस किया जाता है। मूलतः हम इसको जो TNM होता है उसको चार स्टेज में बांटते हैं, Stage 1, 2, 3 and 4। तो मोटे तौर पे मैं ये बताना चाहूँगा कि Stage 1 and 2 वो स्टेजेस हैं जहाँ ट्यूमर अभी भी लंग के अंदर या लंग के आसपास की ग्रंथियों तक ही सीमित है, दूर नहीं गया है। तो इनको सर्जरी के द्वारा काफ़ी हद तक क्योर किया जा सकता है, और इस स्टेज में सर्जरी बेस्ट ट्रीटमेंट माना जाता है। नेक्स्ट स्टेज होती है Stage 3, जिसको हम ए और बी में बांटते हैं। तो ए में ट्यूमर ग्लैंड्स में गया होता है, जो हमारे चेस्ट के मिडिल में ग्लैंड्स होती हैं, तो उनमें भी एक हद तक ऑपरेशन किया जा सकता है। उसमें अक्सर हम पहले कीमोथेरेपी देते हैं और उसके बाद ऑपरेशन करते हैं, बट फिर भी उसको ऑपरेशन करके निकाला जा सकता है। इसकी अगली स्टेज होती है Stage 3B, जिसमें कि वो ग्लैंड्स में दूसरे साइड में जा चुका होता है, उस स्टेज पे कोई ऑपरेशन नहीं हो सकता, उसमें फिर कीमो या रेडियोथेरेपी दिया जाता है। इसी तरह से लास्ट स्टेज होती है Stage 4, जिसमें कैंसर चेस्ट से फैल करके ब्रेन में, लिवर में, बोन में, या शरीर दूसरे फेफड़े में, या शरीर के अन्य अंगों में जा चुका होता है। इस स्टेज पे फिर हम कीमोथेरेपी ही देते हैं। तो मोटे तौर पे 1, 2 और 3A ये वो हैं जिनमें सर्जरी के द्वारा पेशेंट को क्योर करने की कोशिश की जा सकती है। 3B और 4 वो स्टेजेस हैं जहां सर्जरी का कोई रोल नहीं होता, और इन मरीजों को दूसरे तरीकों के द्वारा उपचार किया जाता है।